नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह और आज आप देख रहे हैं YouTube चैनल मिस्टर प्लम्बर एंड इलेक्ट्रिशियन। दोस्तों आज का टॉपिक प्लम्बर के काम का है। दोस्तों इसमें हम बताएंगे कि बाथरूम की फिटिंग कैसे की जाती है, जो दीवार के अंदर फिटिंग की जाती है पाइप फिटिंग, दोस्तों कैसे की जाती है, वो भी विदाउट डाइवर्टर। ठीक है दोस्तों, अब शुरू करने से पहले दोस्तों जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले करना क्या है कि हमारे जो फ्लोर लेवल है उससे हमने मिनती करनी है कि हमारी टूटी का पॉइंट किस जगह पे आएगा। ये देखो दोस्तों 40 से 42 इंच तक की हमने टूटी लगानी है इसके बीच बीच, और दोस्तों इस तरीके से आगे निशान लगा लें जिस जगह पे आपने टूटी लगानी है। ये देखिए दोस्तों 6.5 इंच पर निशान लगाना है। ये देखिए दोस्तों हमने कुछ इस तरीके से निशान लगा रखे हैं, 6.5 इंच 6.5 इंच। दोस्तों ये राइट वाला है हमारा कोल्ड वाटर का और सेंटर वाला है हॉट वाटर, ये जो इससे साइड वाला दोस्तों ये फ्रेश वाटर है, और ये दोस्तों हमारा कोल्ड वाटर का पाइप ये इस जगह पे आएगा, और ये दोस्तों हमारे शावर का पॉइंट यहाँ पे हमारा कंसील्ड लगेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे दोस्तों सारे बाथरूम में हम निशान लगाएंगे। आगे दोस्तों वीडियो को देखें। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारी इसी जगह पे पाइप जाएगी। ये है दोस्तों हमारे सिस्टम का पॉइंट और ये ऊपर दोस्तों चली जाएगी पाइप। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये राइट तरफ जा रही है, ये दोस्तों हमारी पाइप है जो हमारी सीट लगेगी टॉयलेट सीट, उसका टूटी का पॉइंट है। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों ये हमने 3 निशान लगाए, इनमें से दोस्तों ये देखो दोस्तों ये हॉट वाटर सेंटर वाला हॉट वाटर दोस्तों हमारा गीजर के पॉइंट पर चला गया, और राइट दोस्तों हमारा गीजर का इनपुट, और ये देखिए दोस्तों हमारा कोल्ड वाटर में जुड़ गया। ये दोस्तों हमारा फ्रेश वाटर जो हमारा सीधा सप्लाई है दोस्तों मोटर से आता है पानी कोल्ड वाटर, दोस्तों ये देखिए सीधा हमारा टंकी से ऊपर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आगे देखिए दोस्तों जो हम ये लाइन लगा रहे हैं दोस्तों हमारे वाटर टैंक का ओवरफ्लो है। देखिए दोस्तों वाटर टैंक जो हमारा छत के ऊपर रखते हैं उसका ओवरफ्लो है, जिस जगह पे हमने नैनी ट्रिप लगाएंगे उस जगह के ऊपर दोस्तों हम ओवरफ्लो देंगे। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से दोस्तों हमने निशान लगा लिए हैं, और इसके बाद हमने करना क्या है कि हमने कटर में 6 इंची कटर ब्लेड डालकर, इसको ग्राइंडर बोलते दोस्तों, उसमें 6 इंच का ब्लेड डालकर और कटिंग करेंगे, दीवार में कटिंग करेंगे जिसको जीरी बोलते दोस्तों, जीरी मारेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने जीरी मारनी है, और दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों मैं आपको शॉर्टली तरीके से दिखा दूं कि जीरी मारने के बाद कैसे दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों जीरी मारने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखो हमने दोस्तों 3 पॉइंट दिए, और ये देखिए दोस्तों, और दोस्तों इसके बाद क्या करना है, हमने इनमें से गटियाँ निकाल देनी है। मैं आपको सीधे शॉर्टली तरीके से दिखा दूँ। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने गट्टियाँ निकाल ली इनमें से, और दोस्तों गट्टियाँ निकालने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों गट्टियाँ निकालने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए दोस्तों ये देखिए दोस्तों इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इसमें फिटिंग करनी है, पाइप फिटिंग करनी है। अब दोस्तों शुरू करते हैं, हम फिटिंग करनी शुरू करते हैं। दोस्तों फिटिंग स्टार्ट करने से पहले दोस्तों जो हमारे पास शावर लगाने के लिए कंसील्ड होता है दोस्तों, उसमें हम MTA लगाएंगे, जिसका साइज है दोस्तों 3/4 × 1/2, जिसको दोस्तों हम बोलते हैं 1/2। ठीक है दोस्तों, उसमें कंसील्ड में MTA लगा लें कुछ इस तरीके से दोस्तों, रेंच के साथ पूरा टाइट कर लें जो हमारा पाइप रिंच होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या करना है देखिए, दोस्तों कंसील्ड में MTA लगाने के बाद साफ जगह पे प्लेन टी रखेंगे, और दोस्तों उनका सेंटर चेक करके उसके पाइप के टुकड़े की मिनती चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों सेंटर 6.5 इंच करना है, और उसके बाद दोस्तों उसके अंदर का टुकड़ा मिलना है, टुकड़े की मिनती करनी है।
ये देखिए दोस्तों, हम तो कर रहे हैं ये देखिए 6.5 इंच, और उसके बाद दोस्तों हम इस टुकड़े की मिनती देखेंगे। देखिए दोस्तों, 5.5 इंच टुकड़ा दोस्तों, और दोस्तों टुकड़े को काटेंगे और लगाएंगे। मैं आपको शॉर्टली तरीके से दिखा रहा हूँ दोस्तों। टुकड़ा काट लेने के बाद उस टुकड़े को टी के अंदर लगाएंगे दोस्तों। एक साइड से मैंने लगा लिया है और दूसरी साइड से अब लगा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों जो हमारा CPVC सीमेंट उसके साथ लगाया जाता है, आपको पहले भी वीडियो में बताया गया था दोस्तों। इस पाइप का जोड़ लगने के बाद अगर हम 10 मिनट बाद जोड़ खोलना चाहें तो दोस्तों जोड़ खोल नहीं सकते, इतना पक्का इसका जोड़ लगता है। ये देखिए, अब दोस्तों हम इसको जीरी के अंदर सेट करेंगे कंप्लीट करके। मैं आपको शॉर्टली तरीके से दिखा दूँ, इस जरी में सेट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जीरी में सेट करने के बाद। उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर हम कंसील्ड लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने टुकड़े को निकाल लिया दोस्तों। कंसील्ड का ये देखो दोस्तों, तीर का निशान होता है, उसको ऊपर की ओर करना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमने कंसील्ड को लगा लिया है और तीर के निशान को ऊपर की ओर सेट कर लिया है। और ये देखिए दोस्तों, हमारा कंसील्ड सेट आ गया दोस्तों। अब हम शावर के पाइप का टुकड़ा काटेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने शावर के पाइप के टुकड़े की मिनती कर ली है दोस्तों। 33 इंच का टुकड़ा है दोस्तों, मैंने टुकड़ा काट लिया है और ऊपर लगा देता हूँ। मैं शॉर्टली तरीके से दोस्तों वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, ये आपको दिक्कत ना हो और समझ में भी आ जाए। ये देखिए दोस्तों, हमने शावर का पॉइंट लगा दिया है। आगे दोस्तों वीडियो देखते रहें। और दोस्तों हमने कोल्ड वाटर की टूटी भी लगा दी है, टूटी का पॉइंट भी लगा दिया है। दोस्तों जोड़ को पूरा अच्छे तरीके से लगाए कि जिससे दोस्तों जोड़ लीक ना हो जाए। और दोस्तों ये हमारे सिस्टम के पॉइंट तक हम पाइप लगा ली है। ये देखिए दोस्तों, हमने सिस्टम का पॉइंट लगा दिया। मैं आपको शॉर्टली तरीके से दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अब हम लगाएंगे गीजर का इनपुट पॉइंट। ये देखिए दोस्तों, मैं दोस्तों फास्ट करके दिखाता जा रहा हूँ, आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों, 26.5 इंच का टुकड़ा लगेगा और मैं फास्ट करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों जो हमारा टी का नीचे को पॉइंट जा रहा है दोस्तों, ये हमारा वाशिशन का पॉइंट जाएगा नीचे को। और दोस्तों इससे बाहर जस्ट दीवार के दूसरी साइड हमारा वाशिशन फिट होगा। और दोस्तों आपको दिखा दूँ मैं शॉर्टली तरीके से फास्ट करके। इसके बाद दोस्तों जो हम ऊपर को दोस्तों ये मिनती कर रहे हैं, हमारे गीजर का इनपुट का पॉइंट लग रहा है। ये देखिए दोस्तों,
ये देखिए दोस्तों हमारा गीजर का पॉइंट लग चुका है। और दोस्तों ये देखिए नीचे को हमने बाहर को ये हमारा क्रॉसओवर लगेगा यहाँ पे दोस्तों पाइप को क्रॉस करने के लिए। ये देखिए दोस्तों ये हमारा क्रॉसओवर पाइप को ऊपर नीचे से क्रॉस करने के लिए ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से लगेगा। मैं आपको शॉर्टली तरीके से दिखा रहा हूँ, पर दोस्तों क्रॉसओवर के लिए जगह बनाएं। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से, और दोस्तों क्रॉसओवर रख के चेक कर लें। ये देखिए दोस्तों पूरा सेट आ चुका है, और दोस्तों इसके ऊपर से हमारा पाइप टप जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसकी मिनती जांचने के बाद इसको लगा दें। ये 6 इंच का टुकड़ा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने क्रॉसओवर को लगाना है, अच्छे तरीके से सीमेंट लगाकर CPVC सीमेंट, और इस तरीके से लगाना है। ये देखिए दोस्तों हमने क्रॉसओवर लगा लिया है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, हमने हॉट वाटर की पाइप डालनी है। ये देखिए दोस्तों मैंने कुछ पाइप अभी डाल ली है। उसके बाद दोस्तों देखिए क्या कैसे डालनी है और क्या करना है। ये देखिए दोस्तों ये हमारी हॉट वाटर की पाइप क्रॉसओवर के ऊपर से जा रही है और बिल्कुल तंगी नहीं आ रही दोस्तों। को अच्छे तरीके से क्रॉसओवर को लगाएं जिससे कि हमारा ऊपर वाला पाइप दीवार से बाहर ना रहे, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर भी क्रॉसओवर लगा लिया है, और दोस्तों ये हमारा ऊपर का पॉइंट जो हमारा हॉट वाटर का पॉइंट है अच्छे तरीके से मिनती करके दोस्तों लगा दें। ये देखिए दोस्तों हमने हॉट वाटर का भी पॉइंट लगा दिया है। दोस्तों इसकी मिनती जो होती है 6.5 इंच इसलिए होती है जिससे कि हमारा ओपन मिक्सचर लग जाए, विदाउट शावर जो मिक्सचर होता है वो लग जाए, इसलिए दोस्तों 6.5 इंच मिनती रखी जाती है। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ तक फिटिंग कर ली है। इसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है कि क्रॉसओवर का पॉइंट क्रॉसओवर के लिए जगह बनानी है। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से क्रॉसओवर के लिए जगह बनेगी। ये देखिए उसके बाद दोस्तों क्या करना है, ये देखो मैंने 1 इंच टी ले लिया, और दोस्तों इसमें मैंने रिड्यूसर लगा लिया है जिसका साइज है 1.25 बाई 1, जिसका 1 इंच और 1.5 इंच मतलब कि 1/1.5 हो जाता है रिड्यूसर लगाने के बाद। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से लगाना है, पूरे अच्छे तरीके से दोस्तों जो CPVC सीमेंट है इसको लगाना है। ये देखिए दोस्तों जो अभी हमने प्लेन एल्बो लगाया है दोस्तों, ये हमारा मोटर से वाटर टैंक को इनपुट का पाइप है जो जिसे हम बोलते हैं दोस्तों फ्रेश वाटर। दोस्तों ये इसलिए अंदर हमारे बाथरूम में से इसलिए लगाया गया है क्योंकि दोस्तों हमने बाथरूम में भी एक फ्रेश वाटर का पॉइंट दिया है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए उसके बाद दोस्तों क्या करना है, ये देखिए दोस्तों अभी हमने फ्रेश वाटर का पाइप लगाया, ऊपर से काट करके उसमें क्रॉस ओवर लगाएंगे क्योंकि देखिए दोस्तों हमारा जो कोल्ड वाटर जो हमारा इनपुट है टैंक वाटर टैंक से आने वाला वो दोस्तों हमारे क्रॉसओवर के ऊपर से टपेगा और इधर आकर दोस्तों हमारी टॉयलेट सीट का पॉइंट आएगा, टॉयलेट का जो हमारा टूटी का पॉइंट होता है दोस्तों वो आएगा। और उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर हम टुकड़ा लगा करके हम फ्रेश वाटर का पाइप अपने छत से बाहर निकाल देंगे, ठीक है दोस्तों।
ये देखिए दोस्तों, जो अभी हमने फ्रेश वाटर का पाइप का क्रॉसओवर लगाया था दोस्तों, उसके नीचे से एक क्रॉसओवर और लगेगा जिसका पाइप होगा दोस्तों हमारी वाटर टैंक का ओवरफ्लो। जो टैंक भर जाता है हमारा वाटर टैंक, उसका ओवरफ्लो दोस्तों हम बाथरूम में देते हैं, और दोस्तों उस ओवरफ्लो को लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, जो हमारा वाटर टैंक का ओवरफ्लो है दोस्तों, इसमें हमारे दो क्रॉसओवर लगेंगे दोस्तों। एक पाइप जिसको हम जो हमारा फ्रेश वाटर का पाइप है दोस्तों, उसे क्रॉस करने के लिए, दूसरा हमारा जो वाटर टैंक का आउटपुट पाइप है जो हमारा नीचे आया है दोस्तों, उसे क्रॉस करने के लिए। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से लगाना है क्रॉसओवर को। दोस्तों जो ये हम जोड़ लगा रहे हैं दोस्तों, ये हमारा वाटर टैंक का ओवरफ्लो पाइप है। ठीक है दोस्तों, इसे हमने जिस तरीके से निशान लगाया था उसी जगह पे हम लग लग करके आएंगे। ये देखिए दोस्तों, मैं कुछ शॉर्टली तरीके से बता रहा हूँ किस तरीके से लगाया जाएगा। और ये दोस्तों हमारी जो 1 इंची की टी है जिसमें हमने रिड्यूसर लगाए थे, ये सबसे लास्ट में लगेगी दोस्तों, क्योंकि ये सभी क्रॉसओवर के ऊपर लगेगी। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से लगाना है, और इसके ऊपर दोस्तों हमने 1 इंची का पाइप भी लगाना है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों टी लगने के बाद इसके ऊपर दोस्तों 1 इंची की पाइप का टुकड़ा लगा देंगे जो हमारा छत से बाहर को निकल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से लगाना है। ये देखिए, इसके बाद दोस्तों जो हमारा टॉयलेट का पॉइंट है, जो टॉयलेट की टूटी का पॉइंट है, ये देखिए दोस्तों, हम वो लगाएंगे कुछ इस तरीके से। दोस्तों मैं आपको शॉर्टली तरीके में दोस्तों दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, जो हमने टॉयलेट की टूटी का पॉइंट देना है दोस्तों, इसमें भी हमारा क्रॉसओवर लगेगा क्योंकि हमारा फ्रेश वाटर का पाइप इसके ऊपर से जाएगा। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से लगेगा। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये जो हम टुकड़ा लगा रहे हैं, ये हमारा बाहर हमारी जो मोटर सप्लाई होती है दोस्तों वाटर टैंक के लिए, टुल्लू पंप, वो लगेगा बाहर की साइड दोस्तों, वो लगेगा। ये लीजिए दोस्तों, हमारी फिटिंग रेडी हो चुकी है दोस्तों। ये जो हमारा 1 इंची पाइप है, ये हमारा वाटर टैंक से आउटपुट, और दोस्तों जो हमारा सेंटर वाला पाइप है, ये है दोस्तों हमारा फ्रेश वाटर जो हमारा मोटर से आता है। और दोस्तों ये पाइप है हमारा ओवरफ्लो, जो हमारा टैंक से ओवर होता है वाटर दोस्तों, उसका पाइप है दोस्तों। ये देखिए हमारा जो टैंक से पाइप आता है, आउटपुट जो आता है दोस्तों, ये देखिए हमारा कोल्ड वाटर को चला गया है, ये देखिए, और ये देखिए शावर में चला गया। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए हमारा ऊपर गीजर का इनपुट हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा वॉश मशीन के लिए बाहर को चला गया। ये देखिए दोस्तों, हमारा वॉश मशीन का भी पॉइंट लग चुका है, और हम दूसरा पॉइंट दिखा दें दोस्तों। ये हमारा फ्रेश वाटर जो हमारा मोटर से आता है, ये हमारा जा रहा है, देखिए दोस्तों हमारा पॉइंट जा रहा है जिस जगह पे, और ये देखिए ये हमारा फ्रेश वाटर। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा ओवरफ्लो जो हमारा टैंक भरने के बाद जो ओवर होता है पानी दोस्तों, ये देखिए दोस्तों हमारा ओवरफ्लो नैनी ट्रिप के ऊपर आएगा बिल्कुल। और ये देखिए हमारा जो और ये फ्रेश वाटर है दोस्तों, जो जिधर से आ रहा है, ये इधर हमने मोटर का पॉइंट जो हमारा मैंने बताया था दोस्तों, ये देखिए हमारी मोटर का पॉइंट, टुल्लू पंप जिसको दोस्तों टुल्लू पंप भी बोलते हैं, और मोटर वाटर सप्लाई मोटर दोस्तों वो भी बोलते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी फिटिंग रेडी हो चुकी है बिल्कुल। ये लीजिए दोस्तों, हमारी फिटिंग रेडी हो चुकी है दोस्तों। अगर मेरे किसी भाई का प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन काम का क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।